रिस्क भी बहुत ज्यादा है. सेव इट बिफोर इट्स टू लेट. तो हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल. क्या कैसे हैं आप लोग? तो गाइस आज है हमारी ट्रिप का लास्ट डे. आज हम जा रहे हैं अपने घर, अपने कश्मीर. विश अस लक, हम जम्मू से निकल चुके हैं, हम नगरोटा पहुंचने वाले हैं. नगरोटा पे हमें पता चलेगा अगर हमें छोड़ा तो वी कैन गो टू श्रीनगर, अगर नहीं छोड़ा वी आर हेडिंग बैक टू जम्मू. बट दिस एपिसोड इज रियली गोइंग टू बी इमोशनल क्योंकि ये हमारी ट्रिप का लास्ट डे होने वाला है. इतने टाइम हम लोग साथ रहे, अब अलविदा करके अपनी अपनी लाइफ जीने जाना है. और सबसे बड़ा फैक्टर जो आज का है वो है मौसम. मौसम बहुत ही ज्यादा खराब हो रहा है, बारिश बहुत ज्यादा हो रही है. इंशाल्लाह हम भी पहुंच जाए और हाईवे तब तक खुला ही रहे. सही है. निकल पड़े हम जम्मू से घर की तरफ. तो गाइस जैसे कि आप जानते हैं, हम निकल पड़े हैं हम जम्मू से श्रीनगर अपने घर के ओर. तो बारिश बहुत ही तेज हो रही है और साथ में रिस्क भी बहुत ज्यादा है. गाइस निकल पड़े हैं हम श्रीनगर से, नहीं निकल पड़े हम जम्मू से श्रीनगर के. तो गाइस निकल पड़े हम जम्मू से श्रीनगर. जैसे कि आप जानते हैं हम निकल गाइस निकल पड़े हम श्री. 2 hours later फाइनली निकले हम घर की ओर. रात को हमने स्टे किया था जम्मू में, रात से बहुत ज्यादा बारिश हो रही थी तो इसके हमें रात जम्मू रुकना पड़ा. वरना हम रात को ही निकलते घर की ओर क्योंकि सरोज भाई को घर से बुलावा आ रहा है 2-3 दिन से कि आप जल्दी घर वापस आ जाएं. शायद याद आ रही होगी, हमारी तो किसी को याद नहीं आती, हमें तो किसी ने बोला नहीं भाई. तो सुबह में निकलना था 6 बजे बट ऐसा हुआ सरोज भाई ने किसी को कॉल की, पता नहीं क्या उन्होंने बोला कि 8 बजे तक रोड शायद बंद रहेगा जिसकी वजह से हम छोड़ते हैं. हाँ 8 बजे ट्रैफिक छोड़ते हैं यहाँ का श्रीनगर की तरफ. तो वहाँ का कुछ पता नहीं, हमें तो श्रीनगर जाना है. तो रास्ते में हम निकले सुबह 8 बजे मगर रास्ते में बहुत ही ज़्यादा बारिश हो रही है, आगे भी बहुत ज़्यादा रिस्क है. दुआ करें हम सलामत से घर पहुँचे इंशाल्लाह. तो निकल रहे हैं हम घर की ओर. सरोज भाई वगैरह, ये मुर्तज़ा भाई, शाहिद भाई, सरोज भाई ड्राइव कर रहे हैं. ये 9 किलोमीटर चैन से चलेंगे, कोई खतरा नहीं रहेगा पहाड़ वहाड़ का, है ना, पत्थर वगैरह का. खराब रास्ता लिहाज है ना, यहाँ से शूटिंग स्टोन्स का खतरा रहता है. तो फाइनली गाइस जो खतरनाक रोड था वो हमने क्रॉस कर लिया है. माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह. मुर्शिद बड़े टेंशन में थे कि हम घर नहीं पहुंच पाएंगे, लेकिन मैंने इनको बोला आप भरोसा रखिए, धीरज रखिए, आप सब्र रखें और आप भरोसा रखें मुझ पर, इंशाल्लाह हम घर से ही सलामत पहुंच जाएंगे. एक पत्थर लगा हमें, बाल बाल गाड़ी बच गई है ना, कि एक पत्थर लग गया हमें, एक पत्थर वो ट्रैफिक जाम में हम रुक गए तब लगा, वरना नहीं लगा. तो फिर भी गाड़ी सेफ है, हमने चेक किया था. और बस अब यहाँ से बच चुका है 70-80 किलोमीटर. अब साफ पूरा हाईवे, मस्त हाईवे, काजीगुंड बानिहाल हाईवे, इंशाल्लाह अच्छी तरह पहुँच जाएंगे. तारिक भाई आप ठीक है ना? अल्हम्दुलिल्लाह भाई. शाहिद भाई आप ठीक है ना? इंशाल्लाह हमें लग जाएंगे यहाँ से 1-1.5 घंटा और हम पहुँच जाएंगे घर. आप रोड चेक कीजिए, रोड तो मस्त है बिल्कुल. इसी रोड पर हमें बराबर घर तक जाना है, नौगाम तक. क्या बात है, चलिए चलते. तो भाई लोग फाइनली माशाल्लाह वी आर बैक इन आवर वैली. आराम से भाई. तो फाइनली भाई लोग माशाल्लाह वी आर बैक इन आवर वैली. यार कितनी जगह हम घूमे, कितने स्टेट्स, पहले स्टेट्स गिनाते हैं आपको. पंजाब गए, हरियाणा गए, यूपी में से गए दिल्ली, गए दिल्ली के बाद हम हिमाचल गए, हिमाचल से वापस कश्मीर. लेकिन अपना कश्मीर, कश्मीर है. अरे कश्मीर जैसा कोई नहीं है स्टेट यार, इतने स्टेट्स हम गए कश्मीर जैसा मुझे कोई भी नहीं लगा. क्योंकि यहाँ का एनवायरनमेंट बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा एनवायरनमेंट. बहुत कश्मीर के साथ आप जम्मू को भी नहीं लगाएंगे. बिल्कुल नहीं, हाँ जम्मू भी नहीं, सिर्फ ओनली कश्मीर. द वन एंड ओनली कश्मीर. कश्मीर जन्नत है भाई लोग, कश्मीर जन्नत है. वैल्यू जन्नत में हम रहते हैं और इस जन्नत को आप वैल्यू नहीं करते हो. बहुत लोग पल्यूट कर देते हैं इसको यार. हमने पोल्यूशन बाहर देखा है उस हिसाब से हम यहाँ देख रहे हैं भाई. कदर करो इस जन्नत की यार. सेव इट बिफोर इट्स टू लेट.
भाई और उनकी बहनों, ये हो गया हम हमारे प्यारे से डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर में एंटर। अब चलते हैं सीधे घर और आपको मिलते हैं वहीं पे। क्या बात है। तो गाइज फाइनली हम आ चुके हैं वापस घर। उतरो भाई, थोड़ा गले वाले मिल लेते हैं यार। ओ, इतनी लंबी ट्रिप के बाद सर फाइनली वी आर होम। कैसा लग रहा है? बहुत ही मजा आ रहा है सर। अगर कुछ सर गलती हुई होगी ट्रिप पे सर वो माफ कर दीजिएगा। गलती कोई गलती नहीं हुई सर। आप भी अगर गलती हुई होगी माफ कर दीजिएगा। बिल्कुल नहीं माफ किया आपको सर। आप भी सर, आप भी बिल्कुल नहीं माफ करेंगे सर। अगर कोई गलती हुई होगी ट्रिप पे माफ कर दीजिएगा। इंशाल्लाह आगे मुलाकात होगी इंशाल्लाह। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर। तो फाइनली गाइज हम आ गए वापस घर। ये है मेरा रूम। इस व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए प्लीज लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।